पहला इतने क्लैरिफाई करो कि की भगवंत सिंह मान तुहानू गवर्नर मानता वा तुहानू जे गवर्नर ही नहीं मानता क्योंकि उन्हें कहा सीगा कि गवर्नर कौन हुंदा है तां एक सिलेक्टेड पोजिशन है असी इलेक्टेड है गवर्नर सिलेक्टेड है एक तां तुहाडी इह तोहीन कीती ते गवर्नर ने अपनी जिहड़ी स्पीच सी पहली बार पॉज की लेजिस्लेटिव कामकार दे इतिहास विच कि गवर्नर कहिंदा मैं इसनूं अपनी सरकार नहीं कहूंगा और तुसीं देखोगे कि जिहड़ा काम कदी ओपोजिशन बेंचेस करदे ओह रूलिंग पार्टी दे 92-92 खड़े होकर शोर मचाउण लग गए तुसीं एक पासे कहिंदे कि गवर्नर है कौन है ये तां एक बिल्कुल फर्जी पोस्ट हैगी है एक पासे तुसीं उसे गवर्नर कोलों अपनियां अचीवमेंट्स पढ़ा रहे हो दो गल्लां नहीं हो सकदियां तो बिल्कुल खैरा साहब पंजाब विधानसभा के सैशन च पहुंचे खैरा साहब की चल रहा सैशन दे विच अज कि गवर्नर दा एड्रेस सीगा साडे लीडर ऑफ ओपोजिशन ने बड़ी वाजिब गल उठाई कि गवर्नर साहब तुसीं तुहाडे कोलों इह तुहाडे मूंह च पा रहे ने कि मेरी सरकार पहला इत्थे क्लैरिफाई करो कि की भगवंत सिंह मान तुहानू गवर्नर मानदा वा तुहानू जे गवर्नर ही नहीं मानदा क्योंकि उन्हें कहा सीगा कि गवर्नर कौन हुंदा है तां एक सिलेक्टेड पोजिशन है असी इलेक्टेड है गवर्नर सिलेक्टेड है एक तुहाडी इह तोहीन कीती दूसरा हैगा कि तुसीं पंज नुक्ते पुछे उहनूं कि तुसीं इह टीचर्स दी सिलेक्शन कीती सिंगापुर जाण दी एक ऑफिसर चंडीगढ़ तो शंट आउट कीता सी गवर्नर ने उहनूं तुसीं प्रमोट करके किद्दां कमिश्नर लाया तो दो तीन गल्लां उहनां ने होर पुछियां की तुहाडी उस चिट्ठी का जवाब देता गवर्नर साहब मुख्यमंत्री ने तो गवर्नर ने अपनी जिहड़ी स्पीच सी पहली बार पॉज की आ मैं देखा कि कभी पहला गवर्नर जड़े ने पढ़ते रहेंगे ने कि ओपोजिशन बोलती भी तो कुछ नहीं सुनते लेकिन उन्होंने गल अपनी रोकी उन्होंने कहा कि मैं अपनी इस गल विच माई गवर्नमेंट नहीं ऐड करूँगा यानी कि पहली बार हो रहा पंजाब के लैजिस्लेटिव कामकार के इतिहास में कि गवर्नर कहिंदा मैं इसनूं अपनी सरकार नहीं कहूँगा फिर उस तो बाद भगवंत मान उन्होंने बहुत शोर मचाया कि जी ये तो कैबिनेट का फैसला है जी तो उन्होंने गवर्नर ने वैसे बेसिकली की किया वा अच सारी गल जो मैं नज़र किया कि उसने एक मौका दिता वा लोगों तक गल पहुँचाउण दा कि गवर्नर की हैसियत नूं ते कॉन्स्टिट्यूशन पोजिशन नूं टिच जाणदे ने और तां करके उन्होंने अपनी स्पीच रोक के उस गल दा जिहड़ी गल लीडर ऑफ ओपोजिशन ने उठाई उहदा जवाब दिता फिर उन्होंने भावें बाद च कहता कि कोई गल नहीं मैं पढ़ दिना कि मेरी सरकार आ फिर दोबारा मौका आया कि तुहाडी नुक्तियां दे देते इन्होंने जवाब फिर उन्होंने कहा नहीं मेरे जवाब हले नहीं दिते पर मैनूं उम्मीद आ कि भगवंत मान की सरकार मेरे नुक्तियां दे जवाब दे दे सो कहण तो भाव कि पहला दिन और तुसीं देखोगे कि जिहड़ा काम कदी ओपोजिशन बेंचेस करदे ओह रूलिंग पार्टी दे 92-92 खड़े होकर शोर मचाउण लग गए और कांग्रेस से इल्जाम ला रहे सीगे जी तुसीं बीजेपी की बोली बोल रहे हो इहदा मतलब दोबारा फिर अवग्या कर रहे सीगे क्योंकि गवर्नर जिहड़ा हुण बीजेपी दा नहीं गा वह एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोजिशन होल्ड करता सो कुल मिला के अज के दिन में इत्थे ये शुरुआत हुई और मैं समझदा कि साडा कहना वाजिब सीगा कि तुसीं एक पासे कहिंदे कि गवर्नर है कौन है ये तो एक बिल्कुल फर्जी पोस्ट हैगी है एक पासे तुसीं उसे गवर्नर कोलों अपनियां अचीवमेंट्स पढ़ा रहे हो दो गल्लां नहीं हो सकदियां सो अज का मेन मकसद जिहड़ा सीगा ओपोजिशन का असीं सिर्फ लोगों की कचहरी दसना सीगा कि किद्दां इह सब की तोहीन करते ने जिहड़े बौकर पार्टी है और खास तौर पर जिहड़े इन्होंने गवर्नर की तोहीन की सीगी उन्होंने हाईलाइट करना साडा मकसद सी एंड वी हैव अचीव दैट पर्पस पंजाब दे हालातों नूं किवें देखदे हो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति नूं किवें देखदे तुहाडे सामने ही है रोज़मर्रा कतलो गारत बहुत ज़्यादा मतलब रॉबरीज डाके डकैतियां दिन दिहाड़े वो तुहाडे सामने आ और अज तुसीं देखिया होना कि भगवंत मान गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कोल शायद सीआरपीएफ दियां ते आरएएफ दियां किन्नियां बटालियनस मंगणगे ने ये सारा खर्चा साडे ते पैणा वा इहदा मतलब तुसीं अपनी नलेकी हुण तुसीं कहिंदे हो कि केंद्र सानूं होर फोर्स देवे पहला मुख्यमंत्री देखिया जिहड़ा जाके मंग रहा कि मैनूं होर फोर्स दिओ इहदा मतलब अपनी तुसीं नलेकी कबूल रहे हो नंबर वन नंबर टू सारा कर्जा इस सारी जिहड़ी सेंट्रल फोर्सिस होणगियां इहदा सारा कर्जा पंजाब दे नूं झलणा पवेगा असीं 3 लाख करोड़ दे कर्जे हां तुहानूं याद होना चाहिए कि जदों पंजाब दे विच मिलीटेंसी आई सीगी 80 दे दहाके च उदों जिहड़ियां सेंट्रल फोर्सिस आईयां उहदा पहला स्पैशल टर्म लोन जिहड़ा पंजाब दे सिर कदी भी जिंदगी च चढ़िया वह 1980 दे दहाके चढ़िया उदों हो गया 9.5 हज़ार करोड़ रुपया वह अज तक नहीं लथिया साडे तों इस करके मुख्यमंत्री नूं अपनी पुलिस नूं सतर्क करना चाहिए
एज अ होम मिनिस्टर इफेक्टिव डीलिंग करनी चाहिए है बजाय के केंद्र को जाकर वो तो चाहते हैं कि केंद्र दी फोर्सा असी हर जिला हेडक्वार्टर से केंद्र दी फोर्सा बिठा दीए BSF बिठा दीए RAF बिठा दीए सो लॉ एंड ऑर्डर के उत्ते भगवंत मान जी सरकार बहुत बुरी तरह फेल हुई लॉ एंड ऑर्डर लैके ड्रग्स कंट्रोल लैके ये सारिया फोर्सिस की मंग की गई जी मेरे हिसाब के नाल ठीक है बॉर्डर की सर्वेलेंस की ऑलरेडी BSF वगैरह बड़ी वीड्डी गिनती तैनात है पर लेकिन तुसी जो तो मेरी गल समझने की कोशिश करो जो तो सेंट्रल फोर्सिस मंगोगे वह सारा खर्चा जो पंजाब सरकार के सिर पर आएगा तो साढ़े बच्चों जड़िया उन्होंने नौकरियां दूजिया ये उन्होंने सारिया डाका बजेगा इस गल का। अमृतपाल पिछले दिन ही जाते हैं अजनाला थाने दे विच किवें देखदे हो सारी मूवमेंट नूं कहिंदे गुरु साहब नूं दिखा लै मैं मेरा ना व्यू पॉइंट ये आ कि अमृतपाल ने जिहड़ा उत्थे धरना लाया अजनाले उहदा पहला जेनेसिस देखो की है जेनेसिस ये आ कि उन्होंने एक व्यक्ति से या उन्होंने चंद व्यक्तियों के उत्ते पंजाब पुलिस ने परचा किया उसकी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन नहीं की उन्होंने फड़ के अंदर चक के देता शायद लवप्रीत सिंह सीगा ठीक है तो बाद जो धरना बजा तो पुलिस कहती है कि यह परचा गलत सीगा असी इनू अनकंडीशनल रिलीज करते हैं तो फिर नौबत तो पुलिस ने तो सरकार ने दी है परचे दर्ज करने तो पहला वेरीफाई करो ना चंगी तरह ना कि रोल हैगा गलत परचे करोगे तो यही असर होगा। दूसरा कि जिहड़ा उत्थे इस वड्डे पद्धर दे उत्ते हजूम गया पुलिस स्टेशन विच उहदे विच भी मैं समझदा कि भगवंत मान की सरकार की अटर फेलियर है जे इन्हां दे थाने नहीं महफूज तो गांह होर किसनों की महफूज रख सकते। धन्यवाद।